शांति। 2 फरवरी 69 की अव्यक्त मुरली है। टाइटल है अव्यक्त मिलन के अनुभव की विधि। आज विशेष बाप दादा बच्चों से मिलन मनाने के लिए आए हैं। आज के इस मिलन में बाप दादा दोनों ने बच्चों के मन में चल रहे बहुत सारे सवालों का जवाब दिया है। कहीं शिव बाबा ने दिए हैं जवाब, कहीं ब्रह्मा बाबा ने भी दिए हैं, साथ साथ कुछ एक गहरे राज को भी स्पष्ट किया है। ब्रह्मा बाबा बच्चों से अलग होकर अव्यक्त हुए थे तो बच्चों के मन में अभी भी बहुत सारे प्रश्नों की हलचलें तो उठती रहती है। तो कैसे बाप दादा ने आज बच्चों के अंदर चल रहे कई सवालों का जवाब दिया है, तो इससे भी हम जान सकते हैं कि जानी जाननहार कैसे बच्चों के एक एक संकल्प को रीड करके रेस्पॉन्ड देते हैं, साथ में बच्चों के अंदर कैसा बैलेंस होना चाहिए, कैसा प्यार होना चाहिए, क्या क्या धारणाएं होनी चाहिए। बहुत गहराई से बाप दादा ने आज स्पष्ट किया है। सबसे पहले तो ये बातें सुनते सुनते हम खुद भी इतनी अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर फिर इन बातों को सुनेंगे तो हमें बहुत अच्छी अलग अनुभूतियाँ होगी। बाप दादा ने आते ही कहा कि देखो, बच्चों के प्रेम रस ने बाप दादा को खींच ले आया है, लेकिन ज्ञान सहित जो प्रेम होता है वही यथार्थ प्रेम होता है। बच्चों ने संदेश भेजा कि आप हमें भी अपने अव्यक्त वतन का अनुभव कराओ। ये आशा दिखाई सभी बच्चों के दिल में। तो फिर बाबा ने कहा, आप सभी बच्चों की आशाएं अब पूर्ण होने का समय पहुंच गया है। तो कैसे आशा पूरी होगी? आप कहेंगे सब संदेशी बन जाएंगे? नहीं, अव्यक्त वतन का अनुभव भी बच्चे करेंगे, लेकिन दिव्य बुद्धि के आधार पर जो अब अलौकिक अनुभव कर सकते हो वह दिव्य दृष्टि द्वारा करने से भी बहुत अलौकिक, लाभदायक और अनोखा होगा। इसलिए जो भी बच्चे चाहते हैं कि अव्यक्त बाप से मुलाकात करें, वे कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इसका तरीका सिर्फ यही है। अब देखो, बाबा ने हम बच्चों को अव्यक्त मिलन मनाने का तरीका बताया है। बहुत गहरा तरीका है जो आज के समय में हम बच्चों को बहुत इसकी आवश्यकता है। हमारे कई बच्चों के, भाई बहनों के मन के प्रश्नों का ये जवाब होगा। ध्यान से सुनेंगे। बाबा ने कहा, अमृत वेले याद में बैठो और यही संकल्प रखो कि अब हम अव्यक्त बाप दादा से मुलाकात करें। जैसे साकार में मिलने का समय मालूम होता था तो नींद भी नहीं आती थी, और समय के पहले से ही बुद्धि द्वारा इसी अनुभव में रहते थे ना, वैसे ही अब भी अव्यक्त मिलन का अनुभव प्राप्त करना चाहते हो तो उसका बहुत सहज तरीका यह है। अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर रू रिहान करो तो अनुभव करेंगे सचमुच बाप के साथ बातचीत कर रहे हैं। और इसी रू रिहान में जैसे संदेशियों को कई दृश्य दिखाते हैं, वैसे ही हूबहू गुह्य गोपनीय रहस्य बुद्धि योग से अनुभव करेंगे। बाबा ने कहा, बहुत गुह्य
और गोपनीय रहस्य बुद्धि योग से अनुभव करेंगे। लेकिन एक बात का यह अनुभव करने के लिए आवश्यक है। बाबा क्या कहते हैं, एक बात यह अनुभव करने के लिए आवश्यक है, वह कौन सी है? अमृत वेले भी अव्यक्त स्थिति में वही स्थित हो सकेंगे जो सारा दिन अव्यक्त स्थिति में और अंतर्मुख स्थिति में स्थित होंगे। यही वही स्थिति का अनुभव कर सकेंगे, वही अमृत वेले यह अनुभव कर सकेंगे। इसलिए अगर स्नेह है और मिलने की आशा है तो यह तरीका बहुत सहज है। बाबा ने कहा स्नेह है और मिलने की आशा है तो यह तरीका बहुत सहज है। तो सुना हम सभी ने तरीका, कितनी सहज रीति से बाबा ने कहा, अमृत वेले उठो, अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर बाबा से रूढ़िहान करो और आप नए नए गोपनीय अनुभव करेंगे। लेकिन यहाँ बाबा ने हमें अटेंशन दिलाया, बच्चे वो ही अनुभव कर सकेंगे जिनका सारा दिन, माना अगला सारा दिन अंतर्मुख स्थिति में और अव्यक्त स्थिति में बीता होगा, वही अमृत वेले नेक्स्ट डे ये अनुभव कर सकेंगे। तो यहाँ भी हमें ये नोट करना है कि हमें अपना अमृत वेला अच्छा बनाना है तो हमें सारे दिन की दिनचर्या में भी अंतर्मुखी भी रहना है और अव्यक्त में रह के कर्म करना है। तो फिर बाबा ने आगे कहा कि तो अनोखा अनुभव आप प्राप्त कर सकेंगे। वतन में बैठे बैठे कई बच्चों के दिलों की आवाज पहुंचती रहती है। आप सोचते होंगे शिव बाबा बहुत कठोर है, लेकिन जो होता है उसमें रहस्य और कल्याण है। इसलिए जो आवाज पहुंचती है ना, वह सुन करके हर्षाता रहता हूँ। शिव बाबा ने कहा कि आप बच्चों की आवाज है ना, शिव बाबा कठोर है, लेकिन जो होता है उसमें ही कल्याण है। क्या बाप दादा निर्मोही है? आप सभी बच्चे निर्मोही हो? तो बाप दादा निर्मोही और बच्चों में शुद्ध मोह, तो फिर मिलन कैसे होगा? बाप दादा में शुद्ध मोह है? बाप दादा ही सवाल पूछते। तो बच्चों ने जवाब दिया, साकार बाबा का बच्चों में शुद्ध प्यार था, तो शिव बाबा का नहीं है? तो बच्चों ने कहा, जैसा हमारा है वैसा नहीं है। देखो बच्चे भी कैसे जवाब दे रहे हैं। तो फिर बाबा ने कहा, शुद्ध मोह बच्चों से भी जास्ती है, लेकिन बाप दादा और बच्चों में एक अंतर है। यहाँ भी बाबा ने बहुत गहरा राज बताया कि बाप दादा और बच्चों में एक अंतर है, वह शुद्ध मोह में आते हुए भी निर्मोही है, और बच्चे शुद्ध मोह में आते हैं तो कुछ स्वरूप बन जाते हैं, या तो प्यारे बनते हैं या तो न्यारे बनते हैं, लेकिन बाप दादा न्यारे और प्यारे साथ साथ बनते हैं। यह अंतर जो रहा हुआ है इसको जब मिटाएंगे तो क्या बन जाएंगे? अंतर्मुखी, अव्यक्त, अलौकिक। अभी कुछ कुछ लौकिकपन मिल जाता है, लेकिन जब यह अंतर खत्म कर देंगे तो बिल्कुल अलौकिक, अंतर्मुखी और अव्यक्त फरिश्ते नजर आएंगे। इस साकार वतन में रहते हुए भी फरिश्ते बन सकते हो।
तो यहाँ देखो बाबा ने एक राज स्पष्ट किया हमें, ये पुरुषार्थ के लिए बाबा ने इशारा दिया कि बच्चे शुद्ध मोह रखो, लेकिन बाप दादा कैसे न्यारे और प्यारे रहते हैं ना, बच्चों में कहाँ कहाँ न्यारापन या कहाँ कहाँ प्यारापन हो जाता है, बैलेंस नहीं रहता है, तो ये पुरुषार्थ बाबा ने करने के लिए कहा। और जब ये स्थिति होगी ना, तो हम अंतर्मुखी भी बन जाएंगे, अलौकिक भी बन जाएंगे और फरिश्ते नजर आएंगे, तो इस पर हमें अटेंशन रखना है। फिर आगे बाबा ने कहा कि दूसरा भी एक सवाल है बच्चों के मन में कि तो फिर बाप क्यों वतन में चले गए, अगर बच्चों को यहाँ फरिश्ता बनना है। तो बाबा ने जवाब दिया, जो बच्चों का काम है वह बच्चों को साजे, जो बाप का कार्य है वह बाप ही करते हैं। बच्चों को तो अब पढ़ाई का शो दिखाना है ना, टीचर को पढ़ाई का शो नहीं दिखाना है, टीचर को पढ़ाई पढ़ानी होती है, स्टूडेंट को पढ़ाई का शो दिखाना होता है। शो शोकेस में शक्तियों को पांडवों को आना है ना, बाप दादा तो है ही गुप्त। तो यहाँ पे ये सवाल का जवाब भी बाबा ने बच्चों को दे दिया कि बाबा क्यों जाकर वतन में फरिश्ता बनकर बैठे, आप बच्चों को यहाँ बनना है। अभी सभी के दिल में यही संकल्प है कि अब जल्दी जल्दी ड्रामा का सीन खत्म हो जाए। अब हम उस समय बच्चों के मन में जो संकल्प था ना, बस बाबा जल्दी जल्दी ड्रामा खत्म हो जाए। लेकिन जल्दी होगी, भावी जो बनी हुई है वह तो बनी हुई बनी ही रहेगी, लेकिन फिर भी संकल्प आता है तो साथ साथ अवश्य पहले भी पुरुषार्थ तीव्र किया होगा, तब तो ये संकल्प आता है कि ड्रामा का सीन जल्दी पूरा कर सभी अव्यक्त वतनवासी बन जाए। बनना तो है, लेकिन आप बच्चों में इतनी शक्ति है जो अव्यक्त वतन को भी व्यक्त में खींच कर ला सकते हो। यहाँ बाबा ने अलग भाव से कहा है कि बच्चों को जैसे संकल्प आता है ना ड्रामा जल्दी पूरा हो, लेकिन बाबा ने कहा देखो भावी में क्या है, आप बच्चों में इतनी शक्ति है जो अव्यक्त वतन को भी व्यक्त में खींच कर ला सकते हो। अव्यक्त वतन का नक्शा व्यक्त वतन में बना सकते हो। आशाएं तो हरेक की बहुत है, ऐसे ही पहुंचती है। फिर बाबा ने कहा, यहाँ कह दिया हम बच्चों को कि बच्चे नीचे ही आपको अव्यक्त वतन बनाना है, ऐसे ड्रामा जल्दी जल्दी पूरा कैसे होगा। फिर बाबा ने कहा कि देखो आप बच्चों के मन में और भी बहुत आशाएं हैं, वो वतन में पहुंचती है। जैसे इस साकार दुनिया में बहुत बड़ी ऑफिस होती है ना, टेलीफोन टेलीग्राम, वैसे ही बहुत शुद्ध संकल्पों की तारे वतन में पहुंचती रहती है। ये बाबा ने कहा कि हमारे संकल्प बाप दादा के पास पहुंचते हैं। फिर आगे कई बच्चों के कुछ लोक संग्रह प्रति प्रश्न है, वह भी पहुंचते हैं। कई बच्चे मूंझते हैं कहां से मिलने आते हैं, साकार द्वारा तो कहा कि सूक्ष्म वतन है ही नहीं। जब बाबा साकार में थे ना, तो बच्चे बहुत वतन में चले जाते थे ना, खेल पाल होती थी, तो इसलिए साकार बाबा तब कहा करते थे कि बच्चे सूक्ष्म वतन है ही नहीं। तो अब बच्चों के मन में ये सवाल आता है कि साकार में तो कहा था सूक्ष्म वतन है ही नहीं, तो फिर बाबा कहाँ गए, कहाँ से मिलने आते हैं, कहाँ ये संदेश भेजते, क्यों भोग लगाते हैं, इसका भी राज है। अब हाँ देखो बाबा समझा रहे बच्चे ऐसा क्यों कहते थे, बाबा क्यों कहा गया था, इसका मूल कारण ये है कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी छोटे बच्चे जब कोई चीज के पीछे लग जाते हैं ना, तो वह चीज भल अच्छी भी होती है
लेकिन हद से ज़्यादा उस अच्छी चीज के पीछे पड़ जाते हैं, तो बच्चों से क्या किया जाता है? वह चीज उनकी आंखों से छिपाकर यहाँ वहाँ कर दी जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि इसकी जो एक्स्ट्रा लगन लग गई है, इसलिए कहा जाता था साकार में कि एक्स्ट्रा लगन जो लग गई है वह कुछ ठीक हो जाए। इसी रीति से वर्तमान समय कई बच्चे इन बातों में बहुत चटक गए थे, तो उनको छुड़ाने के लिए साकार में ऐसे कहते थे यह सूक्ष्म वतन है ही नहीं। तो यह भी बच्चों की इस बात से बुद्धि हटाने के लिए कहा गया था, बाबा ने स्पष्ट किया। इसका भाव यह नहीं है कि अगर बच्चों से चीज छिपाई जाती है तो वह चीज कोई खत्म हो जाती है, नहीं, यह एक युक्ति है चटकी हुई चीज से छुड़ाने की, तो यह भी युक्ति थी। अगर सूक्ष्म वतन नहीं तो भोग कहाँ लगाते हो? कोई भी ऐसा कार्य होता है तो खुद भी संदेश क्यों पूछवाते हैं? तो ऐसे नहीं कि सूक्ष्म वतन नहीं है, सूक्ष्म वतन है। तो बच्चों के मन के सवाल का जवाब बाबा ने दे दिया, सूक्ष्म वतन है। देखो बच्चों के मन में कैसे कैसे सवाल उठते थे साकार में जो बाबा कहते थे ना। अब बाबा के अव्यक्त हो जाने के बाद भी बच्चे सोचते, देखो ऐसा तो कहते थे तो फिर बाबा कहाँ गए? तो बाबा ने क्लियर कर दिया। तो सूक्ष्म वतन है, लेकिन अब सूक्ष्म वतन में आने जाने के बजाय स्वयं ही सूक्ष्म वतन वासी बनना है। लेकिन बाबा कहते बच्चे पहले जैसा ध्यान दीदार का पाठ नहीं करना है, लेकिन सूक्ष्म वतन वासी बनना है। बाप दादा की बच्चों के प्रति यही आशा है। आना जाना ज्यादा नहीं होना चाहिए। बाप बच्चों की कमाई देखना चाहते हैं, तो कमाई किस में है इसके लायक बनाते हैं, इसलिए यह सभी रहस्य बोलते रहे। अभी समझा कि क्यों कहा था और अब क्या है? सूक्ष्म वतन के अव्यक्त अनुभव को अनुभव करो, बाबा ने ये कहा। सूक्ष्म वतन के अव्यक्त अनुभव को अनुभव करो, सूक्ष्म स्थिति को अनुभव करो। आने जाने की आशा अल्पकाल की है, माना संदेशी बनकर ध्यान में जाने की जो आने जाने की आशा है ना, वो अल्पकाल की है। अल्पकाल के बजाय सदा अपने को सूक्ष्म वतन निवासी क्यों नहीं बनाते हो? और सूक्ष्म वतन वासी बनने से ही बहुत वंडरफुल अनुभव करेंगे। खुद आप लोग वर्णन करेंगे यह अनुभव तो और संदेशियों के अनुभव में कितना फर्क है। वह कमाई नहीं, यह कमाई भी है और अनुभव भी है। तो एक ही समय दो प्राप्ति हो ये अच्छा हो ना, अच्छा है ना, या एक ही चाहते हो? तो यहाँ बाबा ने स्पष्ट किया कि बच्चे संदेश के द्वारा ध्यान में जाना, वतन में जाना उनकी जरूरत नहीं है। अभी बुद्धि योग बल से सूक्ष्म वतन का अनुभव करो। फिर बाबा ने और आगे कहा, कई बच्चों के मन में यह भी प्रश्न है कि ना मालूम जो बाप दादा कहते थे कि सभी को साथ में ले जाएंगे, अब वह तो चले गए, लेकिन वह चले गए हैं, मुक्ति धाम में जा नहीं सकते। देखो बच्चों के मन में प्रश्न था ना, बाबा तो चले गए, हम रह गए। तो बाबा कहते सिवाय बारात व बच्चों के, बारात के बगैर अकेले कैसे जा सकते? बारात तैयार है, यही सुना है ना अब तक कि बारात के साथ ही जाएंगे। जब बारात ही सज रही है तो अकेले कैसे जाएंगे? अभी तो सूक्ष्म वतन में ही अव्यक्त रूप से स्थापना का कार्य चलता रहेगा, ये बाबा ने तब क्लियर कर दिया। जब तक स्थापना का कार्य समाप्त नहीं हुआ है, तब तक बिना कार्य सफल किए हुए
घर नहीं लौटेंगे, साथ ही चलेंगे और फिर चलने के बाद क्या करेंगे? साथ चलेंगे, साथ रहेंगे, साथ साथ सृष्टि पर आएंगे। आप बच्चों का जो गीत है ना, कभी भी हाथ और साथ न छूटे, तो बच्चों का भी वायदा है तो बाप का भी वायदा है। बाप अपने वायदे से बदल नहीं सकते। फिर बाबा ने कहा, और कोई प्रश्न है? फिर कहा, कईयों के मन में यह भी है ना, मालूम ना मालूम जन्म होगा क्या होगा। कई बच्चों के मन में सवाल था कि ब्रह्मा बाबा जन्म लेंगे या नहीं। देखो ये राज भी बाबा ने स्पष्ट किया। तो जैसे आपकी मम्मा का जन्म हुआ वैसे होगा। फिर बाबा ने कहा, आप बच्चों का विवेक क्या कहता है? आप देख सकते हो ड्रामा की भावी को, त्रिकालदर्शी बाप के बच्चे हो ना, आपके मन के विवेक अनुसार क्या होना चाहिए? अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर हाँ वा ना कहो तो जवाब निकल आएगा। देखो यहाँ भी बाबा हमें ये एक विधि बताते हैं, कोई भी बात आपको राइट सोचनी है ना, तो अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर सोचो, तो बाबा ने कहा राइट जवाब आएगा। ये विधि हम अपने प्रैक्टिकल जीवन में यूज कर सकेंगे। इस रीति से बाप दादा ने 2-4 से पूछा। तो बहुत करके सभी का यही विचार था कि नहीं जन्म होगा। फिर बाबा ने कहा, आज ही उत्तर चाहते हो या बाद में? फिर कहा, देखो बाबा भी ये खेल रचता है, छोटे बच्चे जैसे तालाब में पत्थर मारकर लहरें उठाते हैं ना, ये खेल है। बाप भी तुम सभी के विचार सागर में प्रश्नों के पत्थर फेंक के बुद्धि रूपी सागर में लहर उत्पन्न कर रहे हैं। फिर बाबा ने कहा, जवाब दिया, अभी आप सबके साथ ही अव्यक्त रूप में स्थापना के कार्य में लगे रहेंगे। जब तक स्थापना का पार्ट है तब तक अव्यक्त रूप से आप सभी के साथ ही है। माना बाबा ने स्पष्ट किया कि बाबा अव्यक्त रूप में ही है, जन्म नहीं लेंगे। समझ गए? फिर बाबा ने और आगे कहा, वतन में मम्मा को इमर्ज किया था, पता है क्या बात चली? जैसे साकार रूप में साकार वतन में मम्मा बोलती थी, बाबा आप बैठे रहिए, हम सभी काम कर लेंगे। इस रीति से वतन में भी मम्मा ये कह रही थी, हम सभी कार्य स्थापना के जो करने हैं ना वह करेंगे, आप बच्चों के साथ ही बच्चों को बहलाते रहिए, है ना। तो मम्मा ब्रह्मा बाबा को वतन में कह रही थी, आप बहलाओ हम कार्य करेंगे। वही वतन में रूरिहान चली। आप सभी के मन में होगा कि हमारी मम्मा कहाँ गई? अभी यह राज इस समय स्पष्ट करने का नहीं है, कुछ समय के बाद सुनाएंगे कि वह कहाँ और क्या कर रही है। स्थापना के कार्य में भी मददगार है, लेकिन भिन्न भिन्न नाम रूप से। तो बाबा ने यहाँ मम्मा के बारे में भी जिक्र किया। फिर आगे बाबा ने कहा कि आज तो है ना वतन में सवेरे से बहुत खुशबू आ रही थी, कैसे स्नेह से चीजें बना रहे हैं। फिर दादी जी से बाबा ने कहा, आपने देखा भंडारे में चक्कर लगाया, चीजों की खुशबू नहीं स्नेह की खुशबू आ रही थी, यह स्नेह ही अविनाशी बनाता है। याद हरेक की पहुंचती है, उसका रेस्पॉन्ड लेने के लिए अवस्था चाहिए। यहाँ बाबा ने इशारा दिया, रेस्पॉन्ड फौरन मिलता है। जैसे साकार में बच्चे बाबा कहते थे तो बच्चों को रेस्पॉन्ड मिलता था ना, तो रेस्पॉन्ड अब भी फौरन मिलता है, लेकिन बीच में व्यक्त भाव को छोड़ना पड़ेगा, तब ही रेस्पॉन्ड को सुन सकेंगे। तो यहाँ पे एक गहरा राज बाबा ने स्पष्ट किया कि हम बाबा को जो भी स्नेह से बोलते हैं, याद करते हैं ना, बाबा उन बातों का तुरंत हमें रिटर्न में रेस्पॉन्ड देते हैं, लेकिन वो अनुभव करने के लिए हम बच्चों की वो अव्यक्त अवस्था चाहिए। जब स्थिति होगी
तो हमें वो रेस्पॉन्ड मिलेगा। अब तो और ही ज्यादा चारों ओर सर्विस का अनुभव कर रहे हो ना। अब अव्यक्त होने के कारण फिर बाबा ने और एक राज यहाँ पे क्लियर किया है कि अव्यक्त होने के कारण एक और क्वालिटी बढ़ गई है। ब्रह्मा बाबा ने राज बताया, पता है, मालूम है, वह यह है कि पहले तो बाहरयामी था, अभी अंतर्यामी हो गया हूँ। ये ब्रह्मा बाबा ने बच्चों को कहा, साकार में था ना, तो बाहरयामी, बाहर का ही जानता था, अभी मैं अंतर्यामी हो गया हूँ। अव्यक्त स्थिति में जानने की आवश्यकता नहीं रहती, स्वतः ही एक सेकंड में सभी का नक्शा देखने में आ रहा है। इसलिए कहते हैं पहले से एक और गुण बढ़ गया है। यहाँ बाबा ने राज स्पष्ट किया कि जब अव्यक्त स्थिति में होते हैं ना, तो सब कुछ नक्शा दिखाई देता है, जानने की आवश्यकता नहीं रहती है। अव्यक्त स्थिति में तो खुशबू से ही पेट भर जाता है। तो ये अव्यक्त स्थिति की विशेषता बताई कि कैसे सब कुछ पता चल जाता है। फिर लास्ट में बाबा ने कहा कि एक मुख्य शिक्षा बच्चों के प्रति दे रहे हैं बाबा, सर्विस तो करनी ही है। बाबा ने कहा सभी बच्चों की बुद्धि में लक्ष्य तो है ही, लेकिन बीच में एक मुख्य विघ्न आएगा सर्विस में, पता है कौन सा? और ये विघ्न सर्विस में बाधा डाल सकता है, इसलिए ध्यान रखना सर्विस करते करते, मैंने यह किया, मैं ही यह कर सकता हूँ, यह मैंपन आना, इसको कहा जाता है ज्ञान का अभिमान, बुद्धि का अभिमान, सर्विस का अभिमान। इन रूपों से आगे चलकर विघ्न आएंगे, लेकिन पहले से ही इस मुख्य विघ्न को आने नहीं देना। इसलिए एक शब्द याद रखना, मैं निमित्त हूँ। निमित्त बनने से निराकारी, निरअहंकारी, नम्रचित, निरसंकल्प अवस्था में रह सकेंगे। अगर मैंने किया ये आया तो पता है क्या होगा? अगर मैंने किया मैं हुआ तो मगरूरी, मुरझाइस और मायूसी आ जाएगी। ये नई तीन बातें बाबा ने बताई, मगरूरी, मुरझाइस और मायूसी आएगी। चलते चलते जीते हुए मर जाते हैं। इसलिए मुख्य शिक्षा हमेशा साथ रखना, मैं निमित्त हूँ। निमित्त बनने से अहंकार नहीं होगा, मतभेद का चक्र भी नहीं आएगा, नहीं तो मतभेद में आ जाएंगे। और अनेक व्यर्थ चक्करों से बचने के लिए स्वदर्शन चक्र को याद करना। जैसे जैसे महारथी बनेंगे, माया भी महारथी रूप ले आएगी। साकार रूप में अंत तक कर्म करके दिखाया। कर्म करके क्या दिखाया, याद है ना? यही निरअहंकारी, निर्माण चित होकर एक दो में प्रेम प्यार से चलना है। तो बाबा ने इशारा दिया कि कैसे हमें मेपन को खत्म करना है, निमित्त समझ कर चलना है। फिर बाबा ने कहा माताओं का भी संगठन बनाओ। फिर लास्ट में बाबा ने कहा बच्चे, स्नेह को देखते हैं तो ड्रामा याद आ जाता है, ड्रामा जब बीच में आता है तो साइलेंस हो जाते हैं। हाँ, बाबा भी बच्चों को देखते हैं ना, अव्यक्त बाबा तो बहुत स्नेह में आ जाता है, फिर ड्रामा याद आता है तो फिर साइलेंस हो जाते हैं। स्नेह में आए तो क्या हाल हो जाएगा? बाबा कहते अगर देखो स्नेह में आ जाएंगे तो क्या हाल हो जाएगा, नदी बन जाएंगे, लेकिन नहीं, ड्रामा। जो कर्म हम करेंगे वो फिर सभी करेंगे, इसलिए साइलेंस। अगर सभी साथ होते तो जो अंतिम कर्मातीत अवस्था का अनुभव था वह ड्रामा प्रमाण और होता, लेकिन था ही ऐसे, इसलिए थोड़े ही सामने थे। ब्रह्मा बाबा कह रहे देखो अंतिम समय, इसलिए ड्रामा अनुसार थोड़े बच्चे थे, सामने होते भी जैसे सामने नहीं थे। स्नेह तो वतन में भी है और रहेगा, अविनाशी है, लेकिन सुनाया ना कि स्नेह को ड्रामा साइलेंस में ले आता है, और यही साइलेंस शक्ति को लाएगी।
फिर वहाँ साकार में मिलन होगा। फिर ब्रह्मा बाबा कहते हैं, अभी अव्यक्त रूप में मिलते हैं, फिर सत्ययुग में साकार रूप में मिलेंगे। वह सीन तो याद आती है ना, खेलेंगे, पाठशाला में जाएंगे और मिलेंगे। आप नूरे रतन सत्ययुग की सीनरी वतन में देखते रहते हो ना, जो बाप देखते हैं वह बच्चे भी देखते रहते हैं और देखते जाएंगे। फिर बाबा ने कहा, अंत में अब ज्वाला रूप होना है, आपका ही ज्वाला रूप का यादगार है, पता है कौन सा? ज्वाला देवी। सभी शक्तियों को भी ज्वाला रूप देवी बनना है, ऐसी ज्वाला प्रज्वलित करनी है जिसमें कलयुग का संसार जलकर खत्म हो जाए। तो ऐसे बाप दादा ने बच्चों से मिलन मनाते हुए लास्ट में विदाई में भी सभी सेंटर्स के अव्यक्त स्थिति में स्थित नूरे रत्नों को बाप दादा ने अव्यक्त याद प्यार दिया और कहा, जो इशारा दिया है उसको जल्दी से जल्दी जीवन में लाने का तीव्र पुरुषार्थ करना है। तो इस प्रकार बाप दादा ने हम बच्चों को आज की मुरली में तो बहुत गहरे राज स्पष्ट किए हैं, बहुत ज़्यादा भी धारणा की बातें भी बताई हैं। इसी गहरे राज को हम बार बार सुनेंगे और क्या क्या बाबा ने हम बच्चों के प्रति आस रखी है, कैसे अव्यक्त मिलन मनाना है, अभी इसी विधि को हम अपना कर हम अव्यक्त मिलन मनाने की तैयार पुरुषार्थ और ज़्यादा शुरू कर देंगे। और साथ साथ सेवा में कैसे निमित्त भाव रखना है, कैसे बाप दादा की आश को पूरा करना है, इसी पुरुषार्थ में हम सब लग जाएंगे। तो ये मुरली में बाबा ने बच्चों के कई सवालों का जवाब देते हुए कई गुह्य राज को स्पष्ट किए हैं। ओम शांति।